नमस्कार, महिला सशक्तिकरण पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में महिला आज की तारीख में उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जिस मुकाम में उसे कहा जा सके कि वाकई में वो सशक्त है। इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल पिंकी आनंद। पिंकी जी, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, शहरों में हम रहते हैं, हम अपने आप को एकदम पावरफुल मानते हैं, लेकिन ये सतही तौर पर ही है या अंदर तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है ये जो सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं? मेरे हिसाब से ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सशक्तिकरण का की जो बात हम लोग आज की तारीख में कर रहे हैं, कुछ हद तक महिलाओं ने वो मुकाम पा लिया है जो पाना चाहिए और समाज में वो दर्जा पाया है जो होना चाहिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक ये बातें पूरी तरह से ना गई हैं ना जा सकती हैं। समय लगेगा, एक पूरा युग हमारे पीछे है और आप किस तरीके से समाज में महिलाएं जो हैं वो अपना रोल अदा कर सकती हैं एक सशक्त नारी की तरह, वो कुछ समय लगेगा। कानून की जब हम बात करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि महिलाएं कानून में चाहे वो विक्टिम ही हों, शिकार ही हों, लेकिन खुद ही दोबारा कानून के जरिए विक्टिम ही बन जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कानून इतनी ताकत देता है महिलाओं को और हमारा संविधान इतनी ताकत देता है कि आज वो एक पुरुष के साथ में खड़े हो सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक हमारा संविधान है, भारतीय संविधान एक सबसे प्रोग्रेसिव संविधान रहा है। शुरू से महिलाओं को वोटिंग का राइट रहा है, जब से संविधान आया है शुरू से वही अधिकार है जो सारी जनता को है, सारे पुरुषों को है। एक समान दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे आर्टिकल 14 है चाहे आर्टिकल 15 में, तो ये भी प्रावधान है कि महिलाओं को एक स्पेशल दर्जा दिया जा सकता है, उनके लिए स्पेशल कानून बन सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन बन सकती है। ये संविधान की बात होगी। जहाँ तक कानून की बात है, आप देखेंगे पिछले करीब दो दशक में, करीब 1980 से आप आगे देखते रहेंगे तो कानून काफ़ी बनाए गए हैं, बल्कि कई बार शायद थोड़े ज़्यादा भी बना दिए गए हैं ताकि उसमें कुछ कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे इशू बन जाता है। लेकिन कानून है, कानून पूरे हक देता है, लेकिन कानून अपने आप में एक जवाब नहीं है। हाँ। कानून के साथ साथ समाज की जो अपनी दायित्व है वो निभाना, एक पूरा सोच जो है समाज में करना, वो भी एक दायरा है। लेकिन जिस प्रकार से आप अभी देखिए जो सारे रेप हो रहे हैं, अब कानून निर्भया कांड के बाद और भी सशक्त बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सिचुएशन है उसमें चलती जा रही है, तो उसमें समाज का जो दायित्व है, लेकिन कानून एक प्रोपेल करता है, एक ज़बरदस्ती से उसको धक्का देता है कि आप बदलिए, नहीं तो। जी बिल्कुल। तो आपने जो मुद्दा उठाया है यहाँ पर बलात्कार का, उसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे एक खास महिला से, सुजेट जॉर्डन। ये कोलकाता की हैं जिन्हें पार्क स्ट्रीट रेप विक्टिम के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने अपनी इस आइडेंटिटी को तोड़ना चाहा, बाहर आई, उनको राज्य की जो मंत्री थी, जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने तक उन पर आरोप लगाए कि इन्होंने झूठ बोला है और जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ राजनीतिक मोटिवेशन के साथ लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। पिछले 2 साल और 4 महीने से सुजेट की जिंदगी में सीढ़ियों से ज्यादा सांप रहे हैं, लेकिन सुजेट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अदालत में, समाज में, हर दिन जिंदगी में लड़ाई लड़ी। सुजेट का सबसे बड़ा कदम था दुनिया को ये बताना कि अब वो टीवी पर सिर्फ एक धुंधली तस्वीर बनकर नहीं रहेंगी। It's been very, very traumatic. You see, I had a life before my rape, and this completely changed my life because then people started to look at me as this person who had been raped, and everywhere I went, there were people like the Park Street rape victim, the Park Street rape victim, and that for me was pulling me down into the shell, into such a depressive state. And I thought the only way to get back was to live as me. सुजेट अब वही पुरानी सुजेट है, लेकिन उसे किराए पर एक घर मिलने में 1 साल लग गया। उसका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। सुजेट का सबसे कड़वा अनुभव रहा नौकरी को लेकर, उसे अब तक नौकरी नहीं मिली है। I think I've sent out my resumes,
to loads of people. I don't know how many. I've stopped keeping count. I've been for interviews, and I feel it's the excess baggage that I carry with me, having a court case and having the police. And I think people are a little skeptical when you come from that kind of a situation where, you know, you have, where you're fighting a court case. Sleep, my soul, I softly say. लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा जरूर दिखाई पड़ती है। सुजेट के मामले में ये है कविता। As I hurt in my soul from the wounds in the past and the darkness on my life that was violently cast. कविता जोन के जज्बातों को शब्दों में उतार रही है। As the devil, he traded my soul. सुजेट को उम्मीद है कि उनकी कविताएं एक दिन जरूर पब्लिश होंगी। The wrath of darkness was not a myth. तब तक सुजेट अपने रास्ते में आने वाले सांपों से लड़ने को तैयार है। उनको प्रेरणा मिलती है अपनी फेवरेट पोएट माया एंजेलो की इन पंक्तियों से। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आईज, यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। कोलकाता से मोनी दीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुजेट ने तो काफ़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन हिम्मत सिर्फ लड़ते हुए ही नहीं दिखाई जाती है, कई उसके रूप होते हैं। पिंकी जी, आपके एक्सपीरियंस में बहुत बार हुआ होगा कि कई ऐसी महिलाएं आई होंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई संघर्ष किए होंगे, तो क्या महिलाओं को उस तरह का सपोर्ट उनके परिवार और दोस्तों की तरफ से मिल जाता है जैसा उनको चाहिए होता है? बिल्कुल मिलता है, हर बार नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप देखें जो महिलाएं आगे हुई हैं, अगर जैसे जिस प्रकार से कहा जाता था कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक नारी है, अब किसी भी सक्सेसफुल नारी के पीछे भी पुरुष होंगे, समाज होगा। देखिए, कुछ भी आपका जो एक सफ़र है अकेला नहीं है, चाहे वो नारी के लिए है, महिला के लिए है या पुरुष के लिए है। जब तक समाज के सर जो सब अंग हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे स्ट्रक्चरिंग है, चाहे पति है, चाहे बाप है, चाहे बेटा है, आपको उनका साथ तो चाहिए। जब तक साथ नहीं मिलेगा आप आगे नॉर्मली नहीं कर सकते, वो रेवोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप समाज के साथ साथ बढ़ना चाहते हैं तो ये सारा जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे आप हैं, अंजलि हैं जो सब साथ देंगी, चाहे आपके लोगों के क्रू है, चाहे आपका परिवार है, वो सब साथ में रहना पड़ेगा। तो साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर साथ किसी का भी हो, परिवार का हो या आपके समाज का हो। छवि को यही साथ मिला जब वो वापस गई अपने गांव। उनके गांव वालों का साथ उनके साथ था, जिन्होंने उन्हें सरपंच बनाया, और उसके बाद छवि ने जो कर दिखाया वो देखने लायक। गांव में चल रहे विकास के कामों का जायजा लेती एक नौजवान खूबसूरत लड़की। राजस्थान के एक दूरदराज गांव का ये नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है, लेकिन वो यहाँ यूं ही नहीं आई, बल्कि वो गांव की पहली नागरिक है और सोडा गांव की सरपंच। मैंने वो ग्राम सभा में यही बोला था कि आप सब इकट्ठे करो, वो सब आप बोर्ड वालों की जिम्मेदारी है, किसको लगाना है, कैसे लगाना है। 31 साल की छवि रजावत 5 साल पहले कॉर्पोरेट की अपनी नौकरी छोड़कर गांव आ गई, जहां उनकी दादी 1977 से पहले 15 साल तक सरपंच रही। जब गांव के लोग उनके पास सरपंच बनने की गुजारिश लेकर पहुंचे तो वो इनकार नहीं कर सकी और इस चुनौती से निपटने का फैसला लिया, खासकर जब उन्होंने ये देखा कि गांव में दादी के जमाने से अभी तक कुछ खास बदला नहीं है। सरपंच बनने का जो डिसीजन था वो मेरा नहीं था, वो गांव वालों का था। किसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो परिवार है हमेशा ऑनेस्टली काम करता है, इंटेग्रिटी है, गाँव वालों की समस्याओं को समझते हैं, बायस्ड नहीं रहते हैं, फेयर प्ले करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो रिस्पेक्ट मिला है हमारे परिवार को, वो इसी वजह से मिला है। लेकिन चुनाव जीतना शायद छवि के लिए सबसे आसान काम था। गांव में अपने परिवार की लोकप्रियता का फायदा मिला, लेकिन जब वो मौजूदा सिस्टम के तहत किसी काम को अंजाम देने की कोशिश में जुटी तो पता चला ये कितना मुश्किल है। मुश्किलें मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी मुश्किल थी लैक ऑफ फंड्स, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम करना चाहें, कोई भी डेवलप के लिए, हम आगे विकास के लिए कुछ करना चाहें, तो उसमें फंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एंड उसमें हमने ये सबसे ज़्यादा मुश्किल दिखी, जो अभी भी दिखती है। गांव में पानी का इकलौता स्रोत रहा तालाब सालों से अछूता पड़ा था,
जब छवि को लगा कि सरकार तालाब के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देगी तो गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने खुद से ही खुदाई कराने का फैसला लिया। कुछ बाहरी मदद से वो गांव के तालाब को गहरा करने में कामयाब रही और अब सूखे के बावजूद तालाब में इतना पानी मौजूद है कि गर्मी के महीने निकल जाएं। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव में हरियाली के लिए वृक्षारोपण प्रोजेक्ट, बच्चों के लिए स्कूल, इसके अलावा दिल्ली के एक एनजीओ की मदद से गांव में टॉयलेट और भटके मवेशियों के लिए शेल्टर बने, ये सब चंद मिसालें हैं जिसके दम पर छवि ने अपने गांव की तस्वीर बदल दी। गांव में पूरे परिवर्तन कर दिया और वर्ल्ड में नाम कर दिया इस भाई ने। छवि के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है जब गांव की औरतें ये कहें कि उनकी जैसी और बेटियां चाहिए। ये इस बात की मिसाल है कि बड़ा से बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। सोडा गांव से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो छवि की कहानी तो आपने देख ली। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।